एक पीड़ित मां और उसकी बेटी ने अपने आप को आग लगाकर जलाकर मार दिया। यह बात मैं तालिबान की नहीं कर रहा, योगी आदित्यनाथ के सरकार वाली उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की कर रहा हूं, जहां बाबा जी का बुलडोजर पहुंचता है कृष्ण गोपाल दीक्षित के झोपड़ी को उजाड़ने के लिए, उसकी कुटिया को तहस नहस करने के लिए जहां इस ठंड में उसका परिवार रह रहा था। पहले उसका पक्का मकान तोड़ा गया और जब वो एक झोपड़ी बना के रहने लगा तो उस झोपड़ी पर बुलडोजर पहुंच गया। कई बार हम लोग बुलडोजर की राजनीति से बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये हृदय विदारक घटना हमारे पूरे समाज के ऊपर और हमारी व्यवस्था के ऊपर एक कलंक है, काला धब्बा है। योगी सरकार की तानाशाही का और उनके बुलडोजर के आतंक का सबसे बड़ा उदाहरण है कानपुर देहात की घटना। उसका क्या दोष है, क्या अपराध है? आज करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखी है, लेकिन जातीय विद्वेष से भरा हुआ उत्तर प्रदेश का शासन कृष्ण गोपाल दीक्षित की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने के लिए पहुंच जाता है। और जब वो परिवार बेबस होता है, कोई रास्ता नहीं बचता, तो प्रमिला दीक्षित, कृष्ण गोपाल की पत्नी, उसकी बेटी नेहा दीक्षित, दोनों ने अपने शरीर पर तेल छिड़क कर आग लगा लिया और उस झोपड़ी के साथ जलकर खाक हो गई। उन दोनों की जान चली गई। कृष्ण गोपाल अभी भी अधमरा अधजला अस्पताल में है। ये हम सब के लिए पीड़ादायक, दुखी करने वाली और जैसा मैंने कहा योगी सरकार की तानाशाही की एक घटना है। आम आदमी पार्टी इस घटना की भर्त्सना करती है, निंदा करती है, उस परिवार के लिए न्याय की मांग करती है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन द्वारा, योगी सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है। ये कोई आत्मदाह की घटना नहीं है, उस परिवार को मजबूर किया गया, उसको मारा गया, बुलडोजर के आतंक के कारण उसने अपने आप को जला के मारा, ये हत्या है। इसलिए जो लोग भी इसमें शामिल हैं, इस पूरी घटना में, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बुलडोजर देख के खुश मत होइए, बुलडोजर विनाश का कारण है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर विरोध करेगी, अपना विरोध दर्ज कराएगी। जय हिंद।